नमस्कार मित्रों, मैं एमएल कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब चैनल पढ़ाई जाते पर। दोस्तों, इससे पहले हम चट्टान के बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं और उसी चट्टान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहां बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में कि ज्वालामुखी होता क्या है, इसके जैसे प्रकार क्या हो सकते हैं, कि वर्तमान में कौन कौन से ज्वालामुखी है जो सक्रिय है और कौन कौन से ऐसे ज्वालामुखी है जो अभी इस समय में सुप्त हो चुके हैं या मृत हो चुके हैं, और विश्व मानचित्र पर इनकी स्थिति क्या है, किस रूप में ये पाए जा सकते हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है ज्वालामुखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे पहले हमारा वाला वीडियो पसंद आया होगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक ज्वालामुखी। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि जो ज्वालामुखी है ये धरातल पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है, धरातल पर होने वाली एक आकस्मिक घटना। अब धरातल पर तो आकस्मिक घटनाएं बहुत सारी हो सकती है, जैसे भूकंप आ गया, या फिर कोई अन्य विवर्तनीय घटना हो गई, या फिर भूस्खलन हो गया, तो ये सभी आकस्मिक घटना है। वैसे ही ज्वालामुखी भी एक आकस्मिक घटना है। अब भूकंप को हम आकस्मिक घटना बोलते तो है, लेकिन उसमें ज्वालामुखी जैसी स्थिति नहीं होती है। भूकंप में तो सिर्फ एक दरार आती है और उसी दरार के माध्यम से आंतरिक भाग का जो पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, वो बाहर आता है और वही पदार्थ जो है ज्वालामुखी का रूप धारण करता है। आइए समझते हैं कैसे ज्वालामुखी का रूप धारण करेगा। जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है कि ज्वालामुखी, ज्वालामुखी यानी कि ऐसा मुख या दरार छिद्र जिससे ज्वाला यानी कि कोई गर्म पदार्थ आंतरिक भाग से निकले। अब वो गर्म पदार्थ क्या हो सकता है, वो गर्म जो पदार्थ है वो गैस हो सकती है, धूल हो सकती है, या उसके कण हो सकते हैं, या फिर ये वो कहे कि राख भी हो सकती है। तो ऐसे कुछ पदार्थ हैं जैसे धूल, कण, राख, ये सभी जब आंतरिक भाग से निकल बाहर आते हैं, आंतरिक भाग से निकल के, तो ये अपने आप में एक गर्म अवस्था में होते हैं। यानी कि इनकी स्थिति ऐसी होती है कि जब ये विस्फोट के रूप में बाहर आएंगे तो एक अग्नि के समान नजर आते हैं, बिल्कुल लाल लाल गर्म गर्म, जिस तरह से अग्नि हमारे सामने होती है। इसी कारण इसको ज्वाला कहा गया है। और अंदर से जो पदार्थ है जब ये निकल के बाहर आते हैं, जिस मुख से ये बाहर आएंगे और फैलने पर ये एक ज्वालामुखी बन जाएगा। ठीक है, देखते अब बनता है कैसे ज्वालामुखी। दोस्तों, ये हमारे सामने हमारा एक सरफेस है। अब हमारे सरफेस में क्या होता है कि सरफेस के नीचे वाला जो भाग है, ठीक है, नीचे वाला जो भाग है इसके नीचे गैसें होती है। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो धरातल का नीचे का भाग है वो एक बिल्कुल गर्म अवस्था में है और जिसका तापमान इतना अधिक मात्रा में होता है कि आंतरिक भाग से गैस ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर जब उठती है तो ये धरातल पर कहीं ना कहीं धरातल को कमज़ोर करने की कोशिश करती है। कभी भूकंप आ गया या फिर कोई ऐसी घटना हो गई कि जिससे हमारा धरातल का ऊपरी वाला हिस्सा कमज़ोर पड़ जाएगा, जब हमारा ऊपर का हिस्सा कमज़ोर पड़ जाएगा तो आंतरिक भाग से जो गैसें हैं ये किसी न किसी रूप में बाहर अवश्य निकलेगी, जिसमें हमें धूल है या राख है उड़ती हुई दिखाई देगी। तो अचानक से ये निकलेगी तो सही, लेकिन इसको निकलने में कई वर्षों लगेंगे। अचानक से ज्वालामुखी पर्वत नहीं बनेगा, ज्वालामुखी पर्वत बनेगा जब धीरे 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 आंतरिक भाग से गर्म पदार्थ बाहर आएगा। ठीक, इस तरह से देखो, ये आंतरिक भाग में गर्म पदार्थ है, तरल पदार्थ है जो मैग्मा के रूप में आंतरिक भाग में पाया जाता है। अब जब ये मैग्मा जैसे कि अभी हमने यहाँ बात करी कि आंतरिक भाग का जो गर्म पदार्थ है, जब धरातल की ऊपरी सरफेस में दरार पड़ जाएगी तो ये आंतरिक भाग का पदार्थ बाहर आने के लिए दबाव बनाएगा, और जब दबाव बनाएगा तो ये एक ज्वालामुखी के रूप में निकलेगा। ज्वालामुखी जब बनेगा ना, तो जिस मुख से आंतरिक पदार्थ बाहर आएगा, मैग्मा वाला जो बाहर आएगा,
ये जब तक अपने आप में मैग्मा है, जब तक ये आंतरिक भाग में, जैसे ये बाहर आके जम जाएगा, जब जैसे धीरे धीरे ठंडा होता चला जाएगा तो ये लावा का रूप धारण कर लेगा। आपको पता है कि लावा जो है वो एक कठोर होता है। अब जब ये कठोर हो जाएगा तो शुरुआत में यहाँ जम जाएगा, फिर कई सालों बाद एक स्थिति फिर ऐसी आएगी कि इसमें फिर विस्फोट होगा, फिर ये आंतरिक भाग से यही पदार्थ बाहर आएगा मुख से, फिर ये आग बाहर आके जम जाएगा, और ऐसी स्थिति जो है लगातार चलती रहेगी कई वर्षों तक। कई वर्षों तक जब ये स्थिति चलेगी तो लावा यहाँ जमता चला जाएगा और हमारे सामने एक पर्वत का निर्माण हो जाएगा जिसको हम कहेंगे ज्वालामुखी पर्वत। आंतरिक भाग से जो पदार्थ हमारे सामने निकले, धूल कण, राख, गैसें जो बाहर आई, वो निकली ज्वालामुखी के जिस छेद से, उसको तो हमने कहा ज्वालामुखी मुख या छिद्र, या फिर इसको हम अन्य नाम में दरार भी बोल सकते हैं। अब ये आंतरिक भाग से ये पदार्थ जिस मुख से बाहर आए, ऐसे तो है नहीं कि अचानक से बाहर आया, कहीं ना कहीं इसके मुख का जुड़ाव तो नीचे से रहा ही होगा। अब ये जो जुड़ाव रहा है आंतरिक भाग का बाहर आने का मुख से, तो ये मुख से जो है एक पाइप की तरह जुड़ाव इससे रहा है, यानी कि ये एक वास्तविक पाइप तो नहीं होता है, लेकिन आंतरिक भाग से जो गर्म पदार्थ बाहर आता है वो अपना रास्ता किसी न किसी इसी तरीके से बनाएगा, जिसको हम कह सकते हैं ज्वालामुखी नली या फिर ज्वालामुखी पाइप। इसी पाइप के सहारे ये आंतरिक भाग का जो पदार्थ मैग्मा है ये बाहर आएगा, और बाहर आने पर इसमें से जो पदार्थ निकलेंगे, धूल कण, राख, गैसें, ये गर्म होके बाहर जमेंगे और बाहर जम के लावा का रूप धारण कर लेंगे। ठीक है, तो अब तक हम ज्वालामुखी अर्थ के बारे में जान चुके हैं, इसके निर्माण के बारे में हमने अब तक देख चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई है।